पंचायती राज कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ को आज सुप्रीम कोर्ट ने दारिया एनकाउंटर में राहत दे दी है। राठौड़ के फैसले आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके शुभ चिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मामले पर मंत्री रोहतास शर्मा, जो उनके मित्र भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि राजेंद्र राठौड़ को गलत और झूठे मामले में फंसाया गया था। आज राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। हमने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और मिठाइयाँ बांटी है। देखिए, राजेंद्र राठौड़ राजस्थान के कद्दावर नेता हैं और राजेंद्र राठौड़ पर करीब 5 साल पहले एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ और उस झूठा मुकदमा दर्ज होने के परिणाम स्वरूप उनको बहुत मानसिक पीड़ाएं हुई और बड़ी चिंताएं हमेशा रही और उनका समय अधिकतर मुकदमे को सुलझाने में लगा रहा और वो उसके बावजूद भी पार्टी की वो लगातार निरंतर सेवा करते रहे। महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री रहे हैं और आज भी उनको महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले ये फैसला हमारे प्रदेश की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है कि वो एक मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के और इसमें पूरी शक्ति के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और वसुंधरा जी के बाएं हाथ के रूप में वो हमको चुनाव जिताने में उनका महत्वपूर्ण रोल है। आज मैंने उनको बधाई दी तो उन्होंने कहा कि इतनी लेट बधाई क्यों, तो मैंने कहा कि मैं अलवर में था और मुझे टीवी के द्वारा पता लगा। मैं सुबह उनके सुपुत्र पराक्रम सिंह से बात की थी, तब तक फैसला आया नहीं था और सचमुच जैसे ही फैसले की मुझे खबर सुनी हम सबको बहुत खुशी हुई और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद देना। काफ़ी लोग बड़ी तादाद में उनको बुके लेकर के व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहते हैं, वो कार्यक्रम भी बन रहा है।